YouTube का एल्गोरिदम क्या कहता है, कैसे समझा जाए YouTube के एल्गोरिदम को। दोस्त, YouTube एक मशीन है और इसको समझना बहुत आसान है। जो लोग इसको गौर से नहीं समझते, कोशिश ही नहीं करते समझने की, उनके लिए ही मुश्किल है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, तो YouTube के एल्गोरिदम को आप यूं समझ जाओगे चुटकियों में। होता क्या है कि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने चैनल पर कैसा एल्गोरिदम रखना चाहते हो। मतलब YouTube पर डाउनफॉल आता है, ठीक है, डाउनफॉल आता है ये समझ लो। आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अगर जल्दी ग्रो करना है तो क्या समझना होगा, एल्गोरिदम समझने के लिए। एल्गोरिदम क्यों समझता है इंसान, क्योंकि चैनल ग्रो नहीं हो रहा है यार। एल्गोरिदम हमें भी समझ में आएगा तो हमारे वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं, हमारा चैनल भी चलने का चांस रहेगा, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा, है ना। तो ये चीज करने के लिए आपको सबसे पहले चीज समझना होता है, वो होती है आपके वीडियो, आपके चैनल पर आपके वीडियोस की क्वांटिटी। आप अपने चैनल पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करो स्टार्टिंग में, क्योंकि वीडियो पर जो व्यूज आता है वो इम्प्रेशन के हिसाब से आता है। एक टारगेट ऑडियंस को कवर करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने चैनल पर डालो। जैसे मान के चलो आपका एक टारगेट ऑडियंस है YouTube टिप्स वाली, आपको जनता चाहिए, क्योंकि जो YouTube पर सीखना चाह रहे हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो आपको चाहिए, वो आपके वीडियो देखे। तो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करो, वैसे ही चैनल्स को टारगेट करो, लेकिन वीडियो ज्यादा बनाओ। एक दिन में अगर आपसे बड़े जो क्रिएटर है वो एक वीडियो डाल रहे हैं तो आप दो या तीन वीडियो डालो। स्टार्टिंग ही तो कर रहे हो, शुरुआती तो कर रहे हो। अब होगा ये कि ज्यादा वीडियो डालोगे तो आपके वीडियोस को YouTube ज्यादा लोगों के पास भेजेगा। अगर एक वीडियो को 50 लोगों के पास भेजेगा तो दूसरी को भी 50 के पास जैसे भेज दिया तो आपकी रीच 100 लोगों के पास हो गई। एक ही वीडियो डाल दिया आपने तो 50 लोगों के पास रीच रहेगी। अगर वहीं आपने दो वीडियो डाल दिए तो 100 लोगों के पास हो गई, तीन डाल दिए तो 150 के पास हो गई। हो सकता है किसी वीडियो की इंप्रेशन ज्यादा दे दे। और उसके बाद जब आप ज्यादा वीडियो डालोगे, और ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप कचरा बना दो, हर वीडियो अच्छा बनाना है, वीडियो में एफर्ट डालने हैं, वीडियो में अच्छी जानकारी लोगों को प्रोवाइड करनी है जिससे लोगों की मदद हो, क्योंकि YouTube टिप्स आप दे रहे हैं तो लोगों की मदद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्रिएटर बताते एक वीडियो डेली डालो, मेरे भाई यूट्यूब पर कॉम्पिटिशन का जमाना है, एक वीडियो डालने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ाइए चैनल पर। क्वांटिटी बढ़ाते ही आपको कमाल दिखने लगेगा, चैनल पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, चैनल की रीच बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, क्वालिटी वाला वीडियो, क्वालिटी वाला ऑडियो आपके वीडियो में होना चाहिए, और थंबनेल सबसे बेस्ट बनाना है, क्योंकि मेन खेला थंबनेल का होता है। यूट्यूब कितना भी इंप्रेशन दे, थंबनेल अच्छा नहीं है कोई क्लिक नहीं करेगा, व्यूज नहीं आएगा। तो थंबनेल और क्वांटिटी और वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, इन चीजों को ध्यान में रख लो, आप YouTube पे सफल हो जाओ। YouTube पे सफल होने का एक ही रीजन है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने चैनल पर स्टार्टिंग में डालो। शुरू के दो महीना, मैं तो ये कहूंगा शुरू के दो महीना आप कर लो, तीन वीडियो डेली डाल के देख लो, मात्र दो महीना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता दिखेगा 100%। ऐसा नहीं है कि 10-20 व्यूज, अगर आप दो महीने तक वो काम करोगे कि एक वीडियो डाल दिया, किसी दिन छोड़ भी दिया, नहीं डाला, तो भाई 10-20 व्यूज ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ दो महीने मेहनत कर लेते हो ना, एकदम पसीने में तप के, कसम से भाई चैनल आपका 100% चल जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बस आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, समझाने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, लोगों को आप जो बता रहे हो वो लोगों को समझ में आना चाहिए। ये ऑडियंस, हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो आपका सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो खुश होकर सामने वाला भी आपको सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो बाकी आप समझ गए होंगे, आपको क्वांटिटी पे काम करना है, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया चैनल है, ज़्यादा वीडियो डालो, प्लस में वीडियो में आपको क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपके वीडियो की, और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और थंबनेल एकदम क्लिकेबल होना चाहिए, मतलब किसी के भी सामने आपका थंबनेल जा रहा है बंदा क्लिक कर दे। बस ये चार चीज़ें समझ लो, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, थंबनेल और क्वांटिटी, आपका चैनल 100% बूस्ट कर जाएगा। बाकी इस जानकारी को अपने दोस्तों में भी शेयर करना जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब से रिलेटेड हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती है, ठीक है। जय हिंद।